तो हमारा है ऑर्डर नंबर 152 जो कि अभी तक तैयार नहीं हुआ है। हम पहले ही पहुंच गए हैं 5 मिनट, तो फिलहाल यहां से तैयार होगा, हम यहां से उठाएंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, आप देख रहे हैं महबूब इन्फो और मैं हूं दोस्तों आपका भाई महबूब। दोस्तों यहां पर है ना डिलीवरी बॉय का क्या काम होता है और डिलीवरी बॉय की सैलरी कितनी होती है और डिलीवरी बॉय मंथली कितना कमाते हैं और कहाँ कहाँ डिलीवरी बॉय का ऑर्डर मिलता है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और दोस्तों मैं हमेशा कुवैत के रिलेटिव इन्फॉर्म देता रहता हूँ। डिलीवरी बॉय की सैलरी लगभग जो नए लोग आते हैं ना दोस्तों, उन लोगों की दोस्तों सैलरी होती है 140, 120 केडी इस तरह से होता है, जो कि किसी के अंडर में काम करना होता है यहाँ आके। और जो भाई अंडर में काम नहीं करते हैं, खुद का यहाँ हकामा है यानी सिविल आईडी है, तो वो अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं, जो कि मंथली वो आराम से 60,000, 65,000, 70,000 वो अर्न आराम से कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं वो भी आपको थोड़ा आगे जाके डिटेल में बताता हूँ। न्यू लोग जो डिलीवरी बॉय में आ रहे हैं ना कंपनी के अंडर में काम करने, या कोई आपको कुवैती बुला के घर में और उसके बाद में डिलीवरी बॉय का काम कराए ना, तो उनकी सैलरी इतनी नहीं रहेगी, 120, 100, 140 इसके आसपास ही रहेगी। ड्यूटी का टाइम दोस्तों उनका 12 घंटा और 8 घंटा, दो शिफ्ट यहाँ चलती है आराम से, जो कि 8 घंटा भी चलता है और 12 घंटा भी चलता है। जो 8 घंटा है वो 10 से 12 घंटा काम करता है, बाकी की उसको आवर टाइम मिलता है दोस्तों। तो चलते हैं, मेरे को एक डिलीवरी उठाना है, तो दिखाते हैं कि डिलीवरी, ये ऑर्डर है हमारा एक मार्क का, वहाँ चलते हैं मैकडोडसन, वहाँ से ऑर्डर उठाते हैं, लेके आते हैं और आपको बताते हैं आगे डिटेल में कि डिलीवरी वो कैसे करते हैं, कैसे ऑर्डर उठाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आगे डिटेल। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ, मेरा एक ऑर्डर है उसको लेने के लिए, और इस समय दोस्तों गर्मी बहुत है यहाँ पे। बाइक डिलीवरी करता है बाइक ड्राइवर के लिए इतना आसान सफ़र ये नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी रहती है और उनको इस गर्मी का सामना करना पड़ता है। हाँ, जिसके पास कार का अवेलेबल है उसको इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बाइक वालों को बहुत परेशानी होगी क्योंकि इस गर्मी में उनको काम करना पड़ता है दोस्तों। जैसे दोस्तों मेरा गाड़ी अभी इशारे पे रुका हुआ है, अगर रुका हुआ नहीं होता तो ये लोकेशन आपको इसी तरह से लेके जाता है, जहाँ का आगे आपका एड्रेस है वहीं ये आपको लेके जाएगा। और जैसे जैसे आपका लोकेशन आएगा दो तरफ से ये बता रहा है रास्ता आगे जाके, लेकिन फाइनली यही बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के अंदर हमारा ऑर्डर है ये वाला। ये हॉल्ट हो गया है, यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा लेने के लिए डिलीवरी। तो दोस्तों ऊपर है 2 फ्लोर पे, तो हम लिफ्ट के जरिए वहाँ पहुँचते हैं। तो फाइनली ये लिफ्ट आ गई, हमें जाना है मिडिल फ्लोर पे। दोस्तों यहाँ पे डिलीवरी बॉय के बैठने के लिए भी जगह है, आराम से वो बैठ सकता है जब तक उसका ऑर्डर बन के तैयार नहीं हो जाता तब तक। तो इनका बिल बना है 3 KD एंड 70 प्लस, और 1 KD इनका चार्ज हो जाएगा, जो कि हमें एक पेपर और अलग से मिलने वाला है ऑर्डर के साथ, उसका 1 KD चार्ज है, उसमें से हमें मिलेगा 750 और रूबा जाएगा मार्क वाले के पास में। पिकअप ऑर्डर।
दोस्तों फाइनली ये हमारा मैक का ऑर्डर है, हमने ले लिया है और चलते हैं जहाँ का डिलीवरी है वहाँ का करेंगे डिलीवरी, उसके बाद में मिलते हैं। ले लिया है वहाँ से, पिकअप कर लिया है और अब हमें टाइम मिला है दोस्तों, आपको शेयर करते हैं, टाइम भी दिखाते हैं कि कितना टाइम में हमें ऑर्डर डिलीवर करना है। हमें मिले हैं ओनली फॉर 10 मिनट, 10 मिनट में हमें ये ऑर्डर वहाँ डिलीवर करना है और रास्ता मात्र 7 मिनट का है दोस्तों। यहाँ से हम लेंगे यू टर्न लेके सीधे निकल जाएंगे हम। तो हम इशारा खुलने का वेट कर रहे हैं, जैसे ही इशारा खुल जाएगा हम यहाँ से निकलेंगे। दोस्तों डिलीवरी बॉय की लाइफ वो इस तरह से होती है यहाँ पे, और इस तरह से काम करते हैं डिलीवरी बॉय वाले, जो कि लाइफ बाइक ड्राइवरों के लिए इजी नहीं होती है, उनके लिए दोस्तों इजी है, जो कार ड्राइवर है उनके लिए बहुत ही सुकून का काम है दोस्तों। ये तरह के अरबी लोगों के घर होते हैं और इस तरह की रोड़े बनी रहती है और यहाँ पे हम वर्करों को काम करना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो के जरिए सीखने को मिला होगा, क्योंकि दोस्तों रियल लाइफ इस तरह ही होती है, जो यहाँ डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और हमें भी ऑर्डर वगैरह लेने जाना पड़ता है और हम भी फ्री रहते हैं तो होटल वाले से या कांटेक्ट में है, जो कि हम भी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इस वीडियो के ज़रिए सीखने को मिला होगा, क्योंकि दोस्तों रियल लाइफ इस तरह ही होती है, जो यहाँ डिलीवरी बॉय का काम करते हैं और हमें भी ऑर्डर वगैरह लेने जाना पड़ता है और हम भी फ्री रहते हैं तो होटल वाले से या कांटेक्ट में है, जो कि हम भी डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। चलिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जहाँ हमारा डिलीवरी बॉय का ऑर्डर है वहाँ पे, फिलहाल हम करते हैं ऑर्डर और ऑर्डर देने के बाद में जहाँ भी हम जाएंगे घर जाके करेंगे रेस्ट, क्योंकि गर्मी बहुत है और तकरीबन 3:30 भी बज गया है यहाँ का। तो फाइनली दोस्तों हम पहुँच गए हैं घर और हमने गाड़ी को कर दिया है अपनी को पार्क, क्योंकि आज था फ्राइडे और फ्राइडे के दिन ऑफ रहता है हमारा, जो फ्राइडे ऑफ रहता है उस फ्राइडे के दिन हम करते हैं, होटल वाले से कॉन्टेक्ट कर रखा है तलब वाले से, उस फ्राइडे में जो भी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की रेंज का तलब होगा वो हमें मिलता है, जो कि एक ऑर्डर के पीछे हमें 750+ कई बार 1 KD मिलता है। तो हम अगर फ्राइडे के दिन 10 ऑर्डर भी कर लेते हैं तो 7.5 KD 1 KD के हिसाब से हम 10 KD रहती है। जो छुट्टी करने जाता है वो इंजॉय करता है, छुट्टी नहीं करता है वो काम भी कर सकता है। तो दोनों तरफ हाथ में लड्डू रहते हैं, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद ठीक है। तो आप भी कोशिश कीजिए, गल्फ कंट्री आइए, अपना काम कीजिए ताकि आपको भी 2 पैसे मिल जाए और आपका भी अच्छा चले, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा।